हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय ब्लॉग। सो ये शादी के दिन का ब्लॉग। तो ये वाली जो होती है ना रस्में, नच्छु नहावन, इमली घोटाई और क्या क्या सब होता है, वो उस टाइम का थोड़ी बहुत फोटोज़ है मेरे पास। वो भी मैंने मांगी हुई है किसी से, क्योंकि उस टाइम मैं खुद रेडी हो रही थी। मेरे साथ साथ सबको भी रेडी करना था, दीदी लोग थी उन लोगों को, जितने बच्चे थे उनको, जितने भी लोग थे ना सबको रेडी करने का जिम्मा मेरा ही था। तो सब लोगों में रेडी कर रही थी, उस टाइम मैं यहाँ हूँ ही नहीं। एनीवेज, तो अब बारात निकलने का टाइम हो गया है, तो वहाँ चलते हैं। और फिर यहाँ आने के बाद ना, देखिए मुझे, मैंने बाद में देखा था कि मैं तो अपना वीडियो बना रही थी, दीदी लोगों का बना रही थी, लेकिन पीछे से वो भी दिख रहे हैं, क्या बोलते हैं उनको जो भी था वो भी देख रहे हैं उसमें। कोई बात नहीं, उनका भी आ गया। अब बारात निकलने की टाइम हो गई है, और अब हम लोग परछन करेंगे, है ना, यही है ना। तो मतलब कभी कभी बहू पे गुस्सा भी आती है यार, कभी कभी वो बहुत ज़्यादा परेशान कर देता। अब ये मैं इधर कर रही थी, इधर बिजी थी, लेकिन वो फिर भी लगा हुआ तो गोदी में, नहीं मुझे गोदी जाना। तो ये परछन करने के बाद अब चलेंगे मेन काम करने, मीन्स की डांस वाला। तो उधर पीछे दीदी लोग जितनी है ना, वो लोग तो फिलहाल कर ही रही हैं, तो फिर चलते हैं वहाँ भी। यहाँ पे सब डांस करने में बिजी हैं, भैया, भाभी, दीदी, देवर, ननद, सब लोग बिजी हुए हैं डांस करने में। Thank you.
निकल रही है। और बस इतना ही वीडियो था, ज़्यादा वीडियो हो नहीं पाया क्योंकि सब लोग यू नो शादी ब्याह में अपने में बिजी रहते हैं। मैंने जिसको मोबाइल दी थी उसने जो जो भी रिकॉर्ड किया है वो सब मैंने इसमें ऐड कर दिया है। और अब बारात जा रही है, बारात को बोलते हैं बाय बाय और नेक्स्ट मॉर्निंग का वेट करते हैं दुल्हन आने का। हमारी दुल्हन भी आ गई और बुग्गू को गोदी में बैठाने के लिए बोल रहे थे लोग, लेकिन ये बैठ नहीं रहा था। और मैंने बोला कि देखो चाची तुम्हारे लिए चॉकलेट लेके आएंगे, मतलब कुछ तो कहने के बाद फिर ये बोल बैठा। और तब उसको मतलब लालच में बैठा कि चाची चॉकलेट देंगी, उसके बाद ये बैठा हुआ था। और जब बैठ गया तो उतर नहीं रहा था। दुल्हन रानी को उतारते हैं नीचे और उनको ले जाते हैं घर में और उनका अच्छे से वेलकम करेंगे। इसके आगे की वीडियो में आप देखते रहिए कैसे कैसे उनका होता है। हाँ, बहुत सारी वीडियो, बहुत सारे फोटो, मतलब रस्मों की फ़ोटो या वीडियो नहीं है मेरे पास क्योंकि उस टाइम यू नो सब लोग बिज़ी रहते हैं, सब लोग यार अपने अपने कामों में बिज़ी ही रहते हैं, तो कौन लेगा फ़ोटो, कौन लेगा वीडियो। और ससुराल की बात अलग ही होती है क्योंकि ससुराल में थोड़ा सा देखना रहता है, तो इसलिए और भी नहीं हो पाया है मेरे पास। बस ऐसे ही करके शादी वादी हो गई। और मैं उम्मीद करती हूँ कि अगर मेरा वीडियो आप लोग को अच्छा लगता हो तो आप लोग मेरे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब जरूर कर देंगे। मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।